नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है। काव्या जी की टीम, जिन्होंने पैसों तो खूब लुटा दी रिटेंशन के अंदर, पूरे 75 करोड़ लुटा दी और उनके पास बचे हैं 45 करोड़ रुपए। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिटेंशन जिस जिसके ऊपर लुटा है बहुत सही लुटा है और वन ऑफ द बेस्ट टीम बन सकते हैं आईपीएल के अंदर अगर पूरा स्क्वाड कंप्लीट होगा तो। इसका पूरे टारगेट प्लेयर्स, इनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी ऑरेंज आर्मी की, और क्या पिछले साल तो टाइटल नहीं ले पाए थे, फाइनल्स तक पहुंचे थे, क्या इस साल फाइनल्स तक पहुंच के फाइनल जीत पाएंगे और काव्य जी को वो खुशी दे पाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई, और मैं भी कहीं ना कहीं एसआरएच को डिनोट कर रहा हूँ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज लेके शर्ट्स। बोलो मानस भाई। यार मतलब एक लड़की पे कभी फिक्स तो हो जाया करो। पहले कियारा अडवाणी, उसके बाद अब काव्या मरान। के से रिलेशन बैठता है क्या तुम्हारा कोई के शब्द से? हैं, अरे मैं तो एक बता का रहा तो हूँ, पीछे छोड़ दो, पीछा ओनर की तारीफ पीछा तो छोड़ मेरी दो तो कम से कम, थोड़ा पीछा छोड़ दो भाई कम जी से कम। बाकी एनीवेज नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। सनराइजर्स हैदराबाद तोड़ू फोड़ू टीम रही, पिछले साल तबाही मचाई खतरनाक वाली, जिसमें आरसीबी को धो रहे हैं, मुंबई इंडियंस को धो रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स को धो रहे हैं, हर जगह धोते हुए आए हैं। और लखनऊ को तो ऐसा फाइनल में धोया कि आके कप्तान को हटा दिया। फाइनल फाइनल में आते गंभीर भाई ने चुप करा दिया था इनको थोड़ा बस। बाकी तो खैर परफॉर्मेंस डंकी रही इनकी। बाकी यार देखो, 75 करोड़, ये बेस्ट रिटेंशन है क्या मानस भी देखा जाए तो? 75 करोड़ इन्होंने पूरे खर्च कर दिए। रिटेंशंस तो ढंग के हैं, रिटेंशंस तो पांचों ही लायक है इसमें की है, लेकिन ओवर स्पेंडिंग हुई है। 23 करोड़ अगर आप हेनरिक क्लासन को दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ नहीं आती मेरे को। अगर रिलीज करते ना तो आरटीएम की वैल्यू के अकॉर्डिंग 17-18 करोड़ में मिल जाता वो आदमी पर जैसे रिपोर्ट हेनरिक थी, क्लासन। क्लासेन भाई अब को मुझे आरसीबी का मुझे कॉल आया था कि हम आपको 20 करोड़ दे रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए 23 करोड़ दिए क्लासेन को। अब रिपोर्ट्स का तो क्या कुछ कह नहीं सकते, पर अब आ गए तो आ गए हैं। बाकी पैट पर यार कमिंस का आपको फिर वो रिटेंशन अच्छा बायफरकेट भी है। तो करना था ना, कि आपको हाँ ओवरऑल पैट 75 करोड़ कमिंस, भी स्पेंड करने थे, 75 करोड़ ही स्पेंड करने थे आपको, अगर आप बाकी 5 प्लेयर रिटेन करते हो तो। बाकी पैट कमिंस का अच्छा रहा है, और 18 करोड़, ट्रेविस हेड का चौदह रिटेंशन अच्छा करोड़ लगा मुझे काफी। अभिषेक और हाँ 6 करोड़ में रेड्डी को ले लिया, तो गुड रिटेंशंस। 5 करोड़, ओ मेरे साथ मतलब 5 रिटेंशंस हो गए इनके 75 करोड़ में। अब इनका ओवरऑल देखा जाए तो एक आरटीएम कार्ड अवेलेबल है, और एक आरटीएम कार्ड के साथ साथ 45 करोड़ भी बचे हैं। तो इनकी सोच ये रहेगी कि यार हम अपने प्लेयर्स को ही वापस से लेना चाहिए, क्योंकि एक ना वॉशिंगटन सुंदर है, एक नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, अब सारे तो वापस नहीं आ सकते, एक आरटीएम अवेलेबल है, तो आप बायबैक जरूर से कर सकते हो। और ऐसा कर सकते हो कि यार रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन द बिग नेम्स, आप एक इफेक्टिव नेम ले सकते हो ऑक्शन के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे नाम आएंगे, थोड़े अंडररेटेड नाम आएंगे, आप उनको ले सकते हो बॉलिंग लाइनअप के अंदर। अब देखो ओपनिंग की बात करें तो इनकी फिक्स्ड ओपनिंग तो कोई सवाल ही नहीं बनता, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। नंबर तीन पे भी, हाँ नंबर तीन का बैट्समैन चाहिए आपको, तीन पे कौन आएगा? पिछले लास्ट ईयर नीतीश कौन आया था कुमार नंबर रेड्डी तीन पे बैटिंग करने? रेड्डी रेड्डी 3 4 पे शिफ्ट हो जाते हैं वो, कभी 4 पे भी आ जाते हैं, 3 पे भी आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ यार, राहुल त्रिपाठी आ रहे थे इनसे, राहुल आ त्रिपाठी रहे थे को वो। त्रिपाठी को बायबैक करो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है बंदा डंका कर लेगा। या फिर तुम जाओ नीतीश राणा की तरफ, या फिर तुम देखो कुछ और ऑप्शन जो बच रहे हैं। तीसरे नंबर के अंग्रेश अनरिंश रघुवंशी, केकेआर के जो रघुवंशी जो है यंगस्टर है। उसको ले सकते हो, और मेरे हिसाब से फिर आप जाइए डैरिल मिचेल की तरफ ये रचिन जाओ, अच्छा रेवंत्र खासा को टारगेट ऑप्शन है। करेंगे। मुझे मुश्किल लग रहा है, पर्स नहीं है इतने के पास। डैरिल मिचेल को टारगेट कर लो यार, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ग्लेन फिलिप्स को और वापस ले सकते हो आप। ग्लैन फिलिप्स मैक्सवेल की तरफ जा सकते हो, हाँ मैक्सवेल और की तरफ जा तो सकते हो, ऑस्ट्रेलियन टीम क्या पता बना दे ये पैट कमिंस भाई, चाहे ट्रेविस हेड भी और मैक्सवेल भी आ जाए तो। पर मेरे हिसाब से 3 पे देखो, एक इंडियन सुटेबल रहेगा, नीतीश राणा एक सही ऑप्शन है, अंगरिंश रघुवंशी भी है, राहुल त्रिपाठी को वापस आप बाय बैक कर सकते हो, और बहुत सारे यंगस्टर्स है इंडियन की साइड से अगर आप देखो तो, उस पोजीशन पे 3 4 पे ये आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। फिर आपके नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, फिर आपको चाहिए एक ऑलराउंडर वैसा चाहिए जो आपको बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर दे, एक पेसर ऑलराउंडर। पैट कमिंस आपके पास है, बट लास्ट ईयर आपके पास मार्को येनसन थे, लास्ट ईयर आपके पास मार्को येनसन के साथ साथ एक ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स थे, और वॉशिंगटन सुंदर भी थे लास्ट ईयर, हसरंगा भी थे बट वो इंजर्ड हो गए थे। तो ऐसे आपको ओवरसीज ऑलराउंडर में से कौन हो सकते हैं वो दावेदार, यार इसको आप चाहोगे कि यार ये तो आए वापस से? एक मुझे लगता है कि वापस लाना है और करना है। एडन मार्करम तो मेरे हिसाब से वापस ना आने एडन मार्कम तो नहीं आएंगे। इसमें तो नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। यार ऑलराउंडर में जाओ तो तुम ग्लेन फिलिप्स को टारगेट कर लो, बढ़िया ढंग का परफॉर्मेंस कर रहा है। डैरिल मिचेल को टारगेट कर लो, या फिर मोइन अली ऑक्शन में उतर रहे तो उनको टारगेट कर लो। वो शार्दुल नहीं है ठाकुर, वो,
शार्दुल को ले शार्दुल लो। ठाकुर, हाँ शार्दुल ठाकुर हो गए, हर्षल पटेल हर्षल पटेल ले लो। इंडियन के अंदर, क्योंकि आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे। जितेश शर्मा को आप ले सकते हो, विकेट कीपर है जितेश शर्मा, अगर उस पोजीशन पे आ जाए चौथे पांचवें नंबर। बाकी एक बंदा क्या है, प्लेयर्स तो आए हैं गए हैं, लेकिन एक भुवनेश्वर को मैंने बड़ा कंसिस्टेंट देखा है। भुवनेश्वर ने जिस तरीके से लॉयल्टी निभाई और कंसिस्टेंट रहे हैं ये SRH के साथ, उतनी कंसिस्टेंसी मैंने कैप्टनसी कहीं भी नहीं करी है देखी कई बार। सिवाय विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा के अलावा, तो मैंने वो कहीं नहीं देखी। तो मेरे को लगता है भुवनेश्वर कुमार बड़ी ऑप्शन बैठ सकता है। बाकी आपके इस ऑप्शन है जितेश शर्मा को आप ले सकते हो एज ए विकेट कीपर। और ऑलराउंडर्स में देखो तो मार्कस स्टोइनिस भी आपको क्या पता मिल जाए सस्ते में, स्टोइनिस हो गए, और अपने ये क्या कहते हैं ग्लेन फिलिप्स हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इनको भी आप चाहोगे कि वापस से टीम में आप इनको ले लो। एक है अपने नांद्रे बर्गर, बर्गर थे राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी में लास्ट ईयर, तो बर्गर भी मेरे हिसाब से सस्ते मिल जाएंगे आपको। नांद्रे बर्गर साउथ अफ्रीका के जो हैं, मार्को यनसन, नांद्रे बर्गर, इनकी तरफ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक स्पिनर चाहिए तो राहुल चहर को आप टारगेट कर सकते हो, अगर मुंबई वाले नहीं ले जा पाते तो राहुल चहर भी एक सही ऑप्शन है। एक आउट ऑफ दी बॉक्स अगर आपको नहीं मिलते भुवनेश्वर कुमार और आपको एक पेस चाहिए कि यार बढ़िया पेस चाहिए, तो सिराज आ सकते हैं। सिराज जो यहीं से बिलोंग करते हैं, खेल भी चुके हैं यहाँ से। नहीं, इस चीज़ तो अच्छी रहेगी, सिराज आए या नहीं आए ये बात तो पता नहीं। अब DSP भी बने तो क्या पता तेलंगाना गवर्नमेंट फोर्स कर दे आगे से आगे कि भाई SRH की टीम में सिराज तो होनी चाहिए, और इसका तो कोई गारंटी है नहीं, पर अगर आते तो टीम तो ढंग की है, बैठ तो सकते हैं। और सोचो फिनिशर पे इनको आशुतोष शर्मा मिल जाए और पंजाब उनको आरटीएम ना करे, तो भाई साहब टीम इतनी धांसू बन जाएगी ना। अगर आप इसकी प्लेइंग 11 में भी बनाने लगो ना, बोलोगे कि भाई ये तो रुक ही नहीं रही। मतलब पेसर्स भी आप देखो तो अपने ये नटराजन को ले सकते हैं वापस से, नटराजन हो जाएंगे, सिराज हो जाएंगे, भुवनेश्वर कुमार हो जाएंगे, इनमें से कोई ना कोई इनको मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार बढ़िया टीम है। बैटिंग के अंदर तो डिस्ट्रक्टिव है, या बॉलिंग में भी कर देंगे, क्योंकि अब आपको 45 करोड़ से बॉलिंग ही चाहिए। बैटिंग आप नहीं देखोगे, बैटिंग में आपको सिर्फ बैकअप प्लेयर्स चाहिए, ज्यादा बड़े नाम आप लोगे नहीं। आपके तीन, बॉलिंग में भी एक तो एक आ ही ऑलराउंडर गया भी है, ना, पैट कमिंस आ पैट ही गया ना कमिंस आ गया ना। बॉलिंग हाँ में। हाँ पैट कमिंस भी आ ही गया, तो आप चाहोगे कि भाई, और ये भी हो सकता है कि यार पैट कमिंस आ गए और आपको सस्ते में हेजलवुड मिल जाए, तो आपकी तो जोड़ी बन जाए, तो मिनी ऑस्ट्रेलिया बन जाएगी, हेजलवुड पैट कमिंस। सोचो सोचो स्टार्क भी घुस जाए इसमें, ये स्टार्क हेजलवुड और तो ये वही ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी बन जाएगी भाई ये तो। और ये तो बिड भी कर लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। पेसर है, रबाडा हो गए, रबाडा के ऊपर बिड कर सकते हैं, पर रबाडा भी खिलाएंगे सूट किस हो किस जाएगा। को, खिलाएंगे किस किस को वो देखने वाली है। ट्रेविस हेरड तो रहेगा हाँ ही, हेनरिच क्लासेन भी रहेगा, पैट कमिंस भी रहेगा, अब तो स्टार के एजलवुड में से एक को खिला सकते हो। इनका लास्ट ईयर भी यही तो हेडेक था जब इनकी प्लेइंग 11 बनाते थे, कि यार बेंच भी आरसीबी टीम से ज्यादा स्ट्रांग है लास्ट ईयर। मतलब जो उनके बेंच के प्लेयर थे वो भी आरसीबी की बॉलिंग से स्ट्रांग थे लास्ट ईयर, तो इनकी बेंच भी इतनी स्ट्रांग थी। तो इस बार ये सोचेंगे कि यार हम बढ़िया प्लेयर्स ही ले 45 करोड़ में, और देखा जाए तो बढ़िया इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पिनर्स के अंदर। मयंक मार्कंडे थे इनके पास लास्ट ईयर, नटराजन थे, उमरान मलिक भी थे, वो सब रिलीज हो गए। अब कार्तिक त्यागी को भी आप ले सकते हो वापस, तो देखा जाए तो बढ़िया टीम बन सकती है। जयदेव उनादकट को भी खिलाया था, विकेट भी लिया था बंदे ने एक दो बार, तो बढ़िया टीम थी, चैंपियन टीम थे, वो नहीं जीत सकते वो बात अलग है। बाकी मानस भाई एक ड्रीम 11 बनानी होगी यार SRH की, क्या ड्रीम 11 हो सकती है बढ़िया कि ओपन करेंगे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा नंबर 3 पे, कोई अभिषेक इंडियन। अभिषेक और ट्रेविस हेड ओपन, नीतीश कुमार रेड्डी तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे काम करो, वेंकटेश अय्यर को ले आओ यार, वेंकटेश अय्यर ऑप्शन बढ़िया रहेगा। तीसरे वेंकटेश अय्यर, चौथे पे नीतीश कुमार रेड्डी, पांचवे पे पांचवे पे हेनरिच हेंड्रिक, क्लासेन, छठे पे जितेश जाना शर्मा चाहो विकेट तो कीपर, जीतेश आशुतोष, और छह पे, सातवें पे वॉशिंगटन सुंदर, ट्रेविस हेड भी तो विकेट कीपिंग कर लेता है वैसे शायद। नहीं, ट्रेविस हेड पहले करते थे, अब तो इनको विकेट कीपर तो क्लासेन हो गए ना वैसे देखा जाए तो, हाँ, क्लास है मेरा क्लासेन भी तो विकेटकीपर। विकेट कीपर ही है। पर एक हाँ, इंडियन में आप देखो तो जितेश जितेश आशुतोष, यू कैन गो सातवें विथ पे पैट टिंडीज कमिंस, बैटिंग सातवें ओवर। पे पैट कमिंस, सातवें पे सातवें पैट पे पैट कमिंस, कमिंस, आठवें पे वो ले आओ उसको, वॉशिंगटन सुंदर कर लो बाय बैक। बेसिकली यू कैन गो विथ लॉकी नटराजन, फर्ग्यूसन, नटराजन, इनकी तरफ जाओ। और इंडियन में तो ऑप्शन है कार्तिक त्यागी वगैरह, आप इनको वापस ले सकते हो। नांद्रे कार्तिक बर्गर त्यागी, हो गए। शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा, इंडियंस को टारगेट करो ना, ज्यादा क्यों रिलाय करना फॉरेन प्लेयर्स हाँ पे। क्योंकि फॉरेन तो होगा ना कि चार ये जो रिटेन हुए उसमें से चार तो फिक्स ही है फॉरेन आपके, चार तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे। हेनरिक क्लासेन नहीं, तीन है आपके, और चौथा आपको देखना है ऑप्शन के अंदर से, तीन पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, ये तीन आपके फिक्स्ड है फॉरेन प्लेयर्स।
आपको एक चौथा फॉरेन चाहिए, तो आप देखोगे कि यार एक ऑलराउंडर मिल जाए तो अच्छी बात है, कि ग्लेन फिलिप्स हो जाए या मार्कस स्टोनिस हो जाए, ग्लेन मैक्सवेल हो जाए, मैक्सवेल की अगर पॉसिबिलिटी निकल जाए तो आप बॉलर देखोगे तो हेजलवुड, इनकी तरफ आप देख सकते हो। तो रबाडा भी एक सही ऑप्शन है, देखा जाए हैदराबाद की पिच पे, रबाडा अगर ट्राई करे तो रबाडा ही मिल सकते। हाँ नांद्रे बर्गर वो वैसे सही इफेक्टिव रहेंगे, बर्गर अगर आ जाते हैं तो, तो लेफ्ट आर्म भी है तो वो एक सही इनका बैठ सकता है। बाकी मानस भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन क्या लग रहा है कि ये टीम कैसा कैसा भी स्क्वाड बने, क्या ये अभी भी कैपेबल है कि फाइनल पहुंच जाएगी, जो धमाका पिछले सीजन हुआ था वो इस सीजन? प्लेऑफ्स में जा सकती है, नो डाउट प्लेऑफ्स में जा सकती है। अगर धासु फॉर्म रही, इनके दो ओपनर्स चल जाते हैं तो ये बहुत कुछ कर जाते हैं। इनके दो हाँ ओपनर्स को धर लिया तो फिर तुमने मैच जीत लिया, ये बात ध्यान रखना। इनके यही दो कह ओपनर्स रहा को था, अगर पकड़ में रख ओपनर लो जल्दी आउट हो गए ना जी। तो टीम तबाह हो हाँ जाती है, फिर चलती नहीं है टीम उतनी, अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो। और हेनरिक क्लासेन के उस एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस करेंगे 23 करोड़, क्योंकि जिस बंदे को ज्यादा पैसा बनता है ना तेईस उसकी करोड़ परफॉर्मेंस नहीं आती। 23 करोड़, 23 करोड़ बहुत ज्यादा है। पिछली बार मिचेल स्टार्क, मैंने कहा था कि ज्यादा ही नहीं चलने वाला। मिचेल स्टार्क ने नो डाउट फाइनल में बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी, 3 विकेट लिए थे, पूरे सीजन नहीं चला लेकिन पर ओवरऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत घटिया रही मिचेल स्टार्क की। 25 करोड़ अगर दिए तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखते हो ना। 25 करोड़ डिजर्व करता है यार कोई विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसा आदमी। वो बात भी है, धोनी पे तो, धोनी तो 30 करोड़ डिजर्व करते हैं खैर, क्योंकि वो तो माइंड से गेम पलट देंगे। कमेंट्स ही है सिर्फ। तो यही यार, बहुत बहुत शुक्रिया ओके वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप भी कमेंट्स में जरूर से बताने कि कौन से आप अपने फेवरेट प्लेयर को देखना चाह रहे हो ऑरेंज आर्मी के अंदर। मिलते हैं आपसे अगली बार, टिल देन गुड बाय।